प्रभास की मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म सलार पार्ट वन सीज फायर शुक्रवार यानी 22 दिसंबर को रिलीज हो गई है। फिल्म का शाहरुख खान की डंकी के साथ बड़ा क्लैश हुआ है। दोनों ही फिल्मों का जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है, लेकिन कमाई के मामले में सलार ने आते ही डंकी को पछाड़ दिया है। नमस्कार, मैं हूँ कातिल झाप, मेरे साथ देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी। सेकनिल की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सलार अपनी रिलीज के पहले दिन 95 करोड़ की ऐतिहासिक ओपनिंग की है। जी हाँ, ये अर्ली एस्टिमेट है। ऑफिशियली डाटा आने के बाद इन नंबर्स में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर इतनी की ही कमाई मानी जा रही है। और मैक्स मीडिया ने भी सलार की कमाई के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक सलार पार्ट वन ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस 116 करोड़ की कमाई कर ली है। सलार के तेलुगु वर्जन ने सबसे ज्यादा 71 करोड़ की कमाई की है। बाकी लैंग्वेज ने 45 करोड़ के आसपास कमाई की है। आपको बता दें कि सलार का डायरेक्शन KGF फेम डायरेक्टर प्रशांत नील ने किया है। और इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो सलार में प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन और जगपति बाबू ने मेन रोल प्ले किया है। इस फिल्म को 5 अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया गया है। डंकी के सिर्फ एक दिन बाद ही प्रशांत नील की फिल्म ने सिनेमा घरों में दस्तक दे दी है। सलार की रिलीज पर थिएटर में फिल्म देखकर आए लोगों ने भी अपना फैसला सुना दिया है। शाहरुख खान की डंकी की रिलीज की जस्ट एक दिन बाद फाइनली रेबल स्टार प्रभास की फिल्म सलार सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है। KGF 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी सलार का दूसरा ट्रेलर आने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट पहले से ही काफी बनी हुई थी। और फिल्म के साल में कितने बार पोस्टपोन होने के बाद प्रभास और नील प्रशांत के फैंस भी मायूस नजर आ रहे थे, लेकिन जब इतने दिनों की कड़ी मुशक्कत और जद्दोजहद के बाद ये फिल्म सिनेमाघरों में आई है तो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि प्रभास और प्रशांत नील के फैंस इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस फिल्म को ओरिजिनल भाषा तेलुगु के अलावा हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी क्रिसमस के खास मौके पर रिलीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से प्रभास की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। आदि पुरुष और राधे श्याम जैसी फिल्मों की असफलता के बाद हर किसी को यही लगा कि प्रभास का करियर लगभग खत्म हो चुका है। अब सलार ने प्रभास की डूबती नैया को पार लगाया है या नहीं, इस पर दर्शकों ने सोशल मीडिया पर भी अपना फैसला सुना दिया है। जी हाँ, प्रभास की फिल्म सलार के दो पार्ट आने वाले हैं। पहला पार्ट सलार पार्ट वन द सीज फायर फाइनली दर्शकों के सामने आ चुका है। इस फिल्म में प्रभास के अलावा मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन भी नजर आए। आदि पुरुष को मिली क्रिटिसिज्म के बाद फाइनली सलार के साथ प्रभास एक राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी फिल्म को दर्शकों का खूब ही अच्छा रिव्यू मिल रहा है। कई यूजर्स ने तो ये तक कह दिया कि इस फिल्म से प्रभास अपनी ही फिल्म बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। एक यूजर ने लिखा, सलार एक नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ चल पड़ी है, इस फिल्म की एडवांस बुकिंग बस अभी शुरुआत ही है। दूसरे यूजर ने लिखा, एक शब्द में ये फिल्म प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन के बीच की दोस्ती को दर्शाती है। ये फिल्म एक ट्रीट है। इस फिल्म के सीक्वल का इंतजार नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस प्रभास के सलार में एक्शन के अलावा एक्टिंग की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। जी हाँ, एक और यूजर ने लिखा कि प्रभास और प्रशांत नील की जोड़ी ने स्क्रीन पर तो आग ही लगा दी है। दूसरे यूजर ने लिखा, मूवी में एक्शन सीन्स को जिस तरह से फिल्माया गया है वो नेक्स्ट लेवल है, मास लवर्स के लिए एक फीस्ट से कम नहीं है। एक और यूजर ने कहा कि इसका पार्ट 2 भी ब्लॉकबस्टर होने वाला है। आपको बता दें कि मूवी देखकर निकले दर्शकों पर सलार अपना मैजिक चलाने में बिल्कुल सफल रही है। अब सलार और डंकी में से कौन सी फिल्म के लिए दर्शक उनके सेंटा बनते हैं, ये तो इस साल के अंत में ही पता लग पाएगा। धन्यवाद, जुड़ रही है बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड केसरी के साथ।